लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक अंतिम मंजिल पर मुकाम जाए। आप सब लोग जानते हैं कि चाचा जी पलट गए, एक बार नहीं बार बार, और ये बार तो तीन तीन बार मुख्यमंत्री कोई शपथ लेता है तो 5 साल के लिए लेता है। ये तो हर 1.5 साल पे शपथ ले रहे हैं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को अवध राज्यों में ले जाने का निवेश को लेकर के हम लोगों ने आगाज किया है। विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, इसलिए हम लोग नए सोच के नए विजन के साथ नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी के पास ना तो कोई विजन है, ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है, इसलिए आप सब लोग उन्होंने जो ताकत दिया 17 महीने, सुनो रोहतास की जनता, 17 महीना हम लोग सरकार में रहे, तो 17 महीनों में ऐतिहासिक काम हम लोग ने किए हैं, वो 17 साल में भी नहीं हुआ, ना ही देश के किसी अन्य राज्य में हुआ। 20 में हमने वादा किया था, क्या किया था कि 20 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से आएगा, वेतन देगा। लेकिन जब 17 महीने हम नीतीश कुमार जी के साथ थे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने, एक साथ एक विभाग शिक्षा विभाग में केवल हम लोगों ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की बहाली की, एक साथ नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लाखों में बहाली निकल रही हो, जो रिक्त पद थे उनको भर्ती निकलना शुरू कर दिए। अभी स्वास्थ्य विभाग का हम साइन कर दिए थे, 1,30,000 स्वास्थ्य विभाग में भी निकलेगा, लेकिन अभी ये लोग आए नहीं दे रहे। सारा काम किया जो हम लोगों ने कहा था उसको हम लोगों ने। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।